आपने नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडी टुडे अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मीन्स दैट वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो द लॉ विच आर मेड बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू ओबे द लॉ विच इज अनजस्टिस एंड विच हैज बीन मेड बाय द ब्रिटिशर्स। सो दैट इज कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसको हम हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से आपके बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। सो इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रही नीडेड टू बी फॉर प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे कुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल्स। 1922 में आपने देखा था कि बीच में उन्होंने रोका था, देन ही हैज स्टार्टेड अगेन। आप लेकिन इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी फाइनली विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। वो ही फेल्ड दैट इट हैज टर्न इन वायलेंट वे। आपने देखा कि लोग तालुकदार और जो किसान जो थे उन्हें वो हाई टैक्स पेड करने के वजह से परेशान थे, और उन्होंने तालुकदार लैंडलॉर्ड्स के घरों पर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो इन एट मेनी प्लेसेस यू हैव सीन दैट इट हैज क्रिएट अ वायलेंस इन डिफरेंट। आपने अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में भी पढ़ा था। अल्लूरी सीताराम राजू वो बोलता था कि वो महात्मा गांधी का भक्त है, लेकिन उसका भी कहना था कि वायलेंट तरीके से नॉन वायलेंस से कुछ नहीं होने जा रहा है, उन्हें वायलेंट वे में ही तो अपने देश को आजाद कराना पड़ेगा या अपनी बातें अंग्रेजों से मनवानी पड़ेगी। तो महात्मा गांधी ये फील कर रहे थे कि ये जो नॉन वायलेंस उनका जो नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था वो वायलेंट हो गया, और उसके लिए तरह तरह जगह जगह पर क्या हो रहे थे, जगह जगह पे लोग जो है विरोध कर रहे थे। कहीं पर लोगों ने पुलिस को भी मारना शुरू कर दिया था, कहीं पर ब्रिटिशर्स पे अटैक करना शुरू कर दिया था। आपने बहुत चीजें अभी पढ़ी थी डिफरेंट स्टैंड में। तो यहाँ पर महात्मा गांधी को ये महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने क्या किया कि इस मोमेंट को वापस ले लिया। विद इन द कांग्रेस सम लीडर वर्ल्ड बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। कांग्रेस के भी कुछ स्टूडेंट्स फेसिंग नेटवर्क इश्यूज, एक मिनट। हाँ, ये तो मैं बोल रही थी कि बहुत सारे कांग्रेस के लीडर भी जो थे वो इससे थक गए थे, इस मास स्ट्रगल में पर से वो थक चुके थे, और वो चाहते थे कि वो काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें।
प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और वो अंदर से जाकर के वो शासन व्यवस्था में आकर के और वहां पर वो ब्रिटिशर्स को प्रभावित करें, ठीक है। सो दे फील दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी विद इन द काउंसिल, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म्स एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस काउंसिल वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। ब्रिटिश पॉलिसी करे कि वो ऐसा मानते थे कि वो ऐसा महसूस करते थे कि उन्हें ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध करना चाहिए। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो ब्रिटिश पॉलिसी बना जो पॉलिसी बना रही है, अंग्रेज जो पॉलिसी बना रहे हैं उसका विरोध करना चाहिए, उसमें सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए और साथ में उसे काउंसिल के अंदर प्रदर्शन भी करने चाहिए ताकि वो डेमोक्रेटिक हो। इसलिए चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया ताकि वो वापस पॉलिटिक्स में रिटर्न हो सके। आपने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो वायलेंट वायलेंट कैरेक्टर ले लिया और महात्मा गांधी ने वापस ले लिया, तब चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया और ताकि वो काउंसिल पॉलिटिक्स में वो रिटर्न हो सके। बट यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजुकेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। लेकिन जो यंग लीडर में थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो चाहते थे कि बहुत बड़े पैमाने पर विरोध लाया जाए और देश को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर लिया जाए। इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिस्कशन टू फैक्टर अगेन सेव इंडियन पॉलिटिक्स टूवर्ड्स एट द लेट 1920s। द फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ and the first was the effect of worldwide economic depression. Agricultural prices began to fall from 1926 and collapse after 1930. As the demand for agricultural goods failed and export declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. By 1930, the countryside was in turmoil. So, ऐसे सिचुएशन में जहां पर इंटरनल डिबेट का सिचुएशन इसलिए बोल रहा है कि क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी लो लीडर्स थे, वो सारे लीडर्स अलग अलग बातें कर रहे थे। किसी को पॉलिटिक्स में जाना था, किसी को स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन करना था और कोई चाहते थे कि मास लेवल पर विरोध किया जाए और देश में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ले आया जाए। तो इस तरह के सिचुएशन जो थे वो दो तरह की चीजों पर बेस्ड थे। एक था इंडियन पॉलिटिक्स को फिर से सेव दिया जा रहा था, दूसरी था कि पूरे पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन की स्थिति, मतलब आर्थिक स्थिति पूरे वर्ल्ड की खराब हो रही होगी थी एंड एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे उन 1926 में उनके दाम गिरने लगे और 1930 में वो और भी ज्यादा कम हो गए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर गुड्स जो है वो और उनका एक्सपोर्ट्स जो है वो सब पर प्रभावित हुआ। किसान जो थे उनको अपने हार्वेस्ट को अपनी फसलों को सेल करना और रेवेन्यू चुकाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। 1930 तक पूरे कंट्री साइड में बिल्कुल अशांति का माहौल था। आप देख रहे हो कि क्या क्या इकोनॉमिक क्राइसिस थी। एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे 1926 में उनके दाम गिर गए और 1930 में और भी ज्यादा हो गया। एग्रीकल्चर गुड्स के डिमांड जब दाम गिरने लगे तो एक्सपोर्ट्स भी डाउन हो गया। अब किसान के पास ना वो बेच पा रहे थे ना उनके पास इतने पैसे थे कि वो रिवेन्यू पे करे। अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड ए स्पेशल कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। Set up in response to the nationalist movement, the commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggested changes. The problem was that the commission did not have a single Indian member; they were all British. उसके बाद ब्रिटेन में एक नया गवर्नमेंट बन गई थी, टॉरी गवर्नमेंट आ गई थी। टॉरी गवर्नमेंट जो थी वो उन्होंने क्या किया था कि एक सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया था और ये कमीशन था नेशनलिस्ट मूवमेंट के जवाब में ये कमीशन लाया गया था।
ये इसका काम था कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसका वो देख दिखाई करे और उसके में चेंजेस लाने का वो सजेशन दे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इस कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन लोग इंडियन मेंबर्स नहीं थे, सारे के सारे ब्रिटिश। तो व्हेन द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया इन 1928 इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। और जब ये साइमन कमीशन इंडिया आया तो कांग्रेस और सारे लोग, कांग्रेस लीडर हो गए, मुस्लिम लीग जितनी भी पार्टी थी सब ने मिल करके पार्टिसिपेट किया इसमें और उन्होंने एक ही नारा दिया, साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन। एंड फॉर टू विन देम ओवर द वायसराय लॉर्ड इरविन सर अनाउंस इन अक्टूबर 1929 ए वेग आफ्टर डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसी स्थिति में जबकि साइमन कमीशन का लगातार विरोध चल रहा था, उस समय यहाँ के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन एक ऐसा राज्य का दर्जा देने की बात वो कर रहे थे जिनका कोई फ्यूचर ही नहीं था। और इसी चीज को लेकर के महात्मा गांधी को कन्विंस करके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया ताकि वो एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन कर सके। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर। रेडिकल विद इन द कांग्रेस लीड बाय जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव द लिबरल एंड द विद इन द फ्रेमवर्क The liberals and moderates who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence. Mahatma Gandhi को जब ये proposal दिया गया कि वो round table conference में participate करें ताकि इंडिया का एक future constitution बन सके, ये कांग्रेस लीडर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। और जो रेडिकल्स थे, जो कांग्रेस के अंदर जो रेडिकल्स थे, रेडिकल्स का प्रतिनिधित्व करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत ही एंग्री मूड में हो गए। और लिबरल्स और मॉडरेट्स और जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के लिए प्रपोज कर रहे थे ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर, उस सब का प्रभाव खत्म हो गया। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इट वॉज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एट द इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसके बाद महात्मा गांधी सॉरी जवाहरलाल नेहरू और जो रेडिकल्स माइंडेड लोग, उन्होंने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को वो अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। दे हैड सेलिब्रेटेड देयर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी 1930 एंड ये दैट डे विल बी सेलिब्रेटेड एज ए इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। ऑन दैट डे पीपल विल टेक प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उस दिन लोग यह प्रतिज्ञा करेंगे कि वो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराने के लिए स्ट्रगल करेंगे। बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस अब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इश्यू ऑफ एवरीडे लाइफ। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया ये बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर, बहुत सारे लोगों का ध्यान अट्रैक्ट नहीं कर पाया। और इसकी वजह से महात्मा गांधी ने कोई और तरीका सोचा कि किस तरह से लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कराया जाए, किस तरह से लोगों का ध्यान मतलब क्योंकि जब तक मास लेवल पर स्ट्रगल नहीं होता देश को स्वतंत्र कराना आसान नहीं था। तब महात्मा गांधी ने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया, साल्ट मार्च निकाला, साल्ट मार्च एंड द सिविल डे। आप सब बच्चे जानते हो कि गुजरात डांडी से उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, उसको डांडी मार्च भी कहा जाता है। ये एक लंबी यात्रा थी, 24 दिनों तक इन्होंने चला और 24 दिनों तक चल करके हर दिन वो 10 माइल चला करते थे और 10 माइल चलते फिर वो डांडी पहुंचे थे। तो महात्मा गांधी फाउंड एट इन साल्ट a powerful symbol that could unite the nation.
On 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. Some of these were of general interest, others were specified demands of different classes from industries to pigeons. महात्मा गांधी ने को लगा कि नमक जो है एक पावरफुल सिंबल हो सकता है और पूरे कंट्री को यूनाइट कर सकता है, क्योंकि नमक की जरूरत तो हर किसी को है, और अगर हम नमक को लेकर अगर हम आंदोलन करते हैं तो पूरा कंट्री यूनाइट हो जाएगा। इसी चीज को लेकर 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय के पास एक लेटर भेजा जिसमें 11 डिमांड्स थे। उन 11 डिमांड्स में से कुछ तो जनरल इंटरेस्ट के थे और कुछ जो थे वो कुछ खास थे। इस डिमांड में हर एक व्यक्ति की बातें थी, चाहे वो किसान हो, साधारण किसान से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्री तक, सबकी जरूरत की बातें उसमें लिखी हुई थी। सबसे संबंधित डिमांड जो थे वो वायसराय को भेजे गए थे। दिस आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड वाइड रेंजिंग सो that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. ये आइडिया इसलिए उन्होंने उन्हें वाइड रेंजिंग लगा, मतलब कि उन्हें लगा कि नमक जैसे मैटर को अगर मुटाते हैं तो सब लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति के लिए ये चाहिए और ये इस आधार पर सबको हम यूनाइट कर सकते हैं। द मोस्ट स्टिरिंग ऑफ ऑल was the demand to abolish the salt tax. Salt was something consumed by rich and poor alike, and it was one of the most essential item of food. The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive face of British rule. इसमें से एक जो था 11 डिमांड में, एक डिमांड था कि नमक पर जो टैक्स लगाया गया है उस टैक्स को हटा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि साल एक ऐसा चीज था, नमक ऐसा चीज था जिसकी जरूरत हर लोगों को थी और ये हर भोजन का एक एसेंशियल आइटम्स था, और जब टैक्स लगाया गया था नमक पर तो गवर्नमेंट ने टैक्स तो लगाया ही था, साथ में उसके उसके पास मोनोपोली थी। मोनोपोली इट मींस ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। सॉल्ट बनाने का अधिकार सिर्फ अंग्रेजों के पास था, इंडियंस जो थे वो सॉल्ट नहीं बना सकते थे। तो इसी चीज को महात्मा गांधी ने लिया और उन्होंने कहा कि अगर आप टैक्स नहीं हटाते हो और इस नमक के प्रोडक्शन पर अपने मोनोपोली को हटाते नहीं हो, तो महात्मा गांधी ने ये क्लियर कर दिया कि वो अंग्रेजों के अगेंस्ट जाएंगे। इस तरह से नमक सत्याग्रह के द्वारा महात्मा गांधी ब्रिटिश रूल के ऑपरेसिव फेस को लोगों तक दिखाना चाहते थे। महात्मा गांधी लेटर वॉज इन ए वे एन अल्टीमेटम। इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11th मार्च, द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। इरविन वॉज अनविलिंग टू निगोशिएट, तो महात्मा गांधी started his famous salt mass to complete by 78 of his trusted volunteers. महात्मा गांधी का लेटर एक तरह से इरविन के लिए एक अल्टीमेटम था। अगर डिमांड उनका 11 डिमांड्स अगर उनका फुलफिल नहीं होगा तो क्या करेंगे, 11 मार्च को वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वो लॉन्च कर देंगे। इरविन जो था वो इस मैटर को नहीं सॉल्व किया, नहीं ट्रिप पर ध्यान दिया, इसलिए महात्मा गांधी ने अपने 78 सपोर्टर्स के साथ उन्होंने साल्ट मार्च स्टार्ट किया। ठीक है, तो मार्च वाज ओवर 200 फुट माइल्स फ्रॉम गांधी आश्रम इन साबरमती टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। द वॉलंटियर वॉक फॉर 24 डेज अबाउट 14 माइल्स इन वे। मार्च जो डांडी से जो उन्हें समुद्र तट तक जाना था, डांडी तक जाना था, साबरमती से डांडी तक जाना था, उसका डिस्टेंस 240 माइल का था। महात्मा गांधी जो थे वो ने वॉलेंटियर्स के साथ 24 दिनों तक उन्होंने ट्रैवलिंग किया। हर दिन वो 10 माइल चलता करते थे और 10 माइल चलने के बाद वो किसी न किसी गांव में हर दिन वो स्टे कर दिया करते थे। जब वो स्टे करते थे तो बहुत सारे लोग उनको सुनने आया करते थे।
हाउजन केम टू हियर महात्मा गांधी वेन वेयर एवर ही स्टॉप्ड, जहां भी रुकते थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के लिए बहुत अच्छा मौका था कि वो स्वराज का मतलब लोगों को समझाए, क्योंकि आपने अभी तक देखा कि स्वराज का लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे थे और साथ में वो वायलेंट भी हो जा रहे थे। तो महात्मा गांधी 24 दिनों तक 24 गांव में रुके और हर दिन उन्होंने लोगों से मिले और लोगों को स्वराज का मतलब बताया, और ये भी बताया कि वो अंग्रेजों का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। On 6 अप्रैल he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling sea water. और 6 अप्रैल को उन्होंने समुद्र के खारे पानी से नमक बनाया डांडी। तो दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इसी समय से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक क्वेश्चन आता भी है कि हाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, सो पीपल वर नाउ आस्क नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन विद द ब्रिटिश एज दे हैव डन इन 1921-22, बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। अब लोगों को डिफरेंस क्या था कि पहले लोग जो थे वो ब्रिटिश ब्रिटिश की जितनी चीजें थी उनको वो बायकॉट कर रहे थे, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो या स्कूल हो, कॉलेजेस हो, लोग बायकॉट कर रहे। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दोनों चीजें शामिल थी। अब इसमें लोग था कि बायकॉट तो करना ही करना था, साथ में उन जो कॉलोनियल लॉ जो है उनको भी फॉलो नहीं करना है। दे हैव टू ब्रेक कॉलोनियल लॉ। सो थाउजेंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। जैसे ही महात्मा गांधी ने नमक कानून नमक बनाया और नमक बना करके इस कानून को तोड़ा, वैसे ही इंडिया के अलग अलग भागों में हजारों प्लेसेस पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया। ठीक है, सब जगह पर फिर नमक बनने लगे। दे मैन्युफैक्चर सॉइल एंड डिमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री। नमक बना करके वो उसको कहाँ प्रदर्शित कर रहे थे, जहाँ गवर्नमेंट की जो सॉल्ट फैक्ट्री थी उसके सामने वो प्रदर्शित कर रहे थे, दिखला रहे थे कि देखो हम लोग ने नमक बना लिया। एट द मोमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लोथ वॉज बायकॉटेड, लिकर शॉप वर पिकेटेड, पीजेंट रिफ्यूज टू पे रिवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस, विलेज ऑफिशियल रिजाइन एंड इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ going into reserve forest to collect wood and grass cattle. अब देखिए ये सिर्फ नमक बनाना ही नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने फिर बायकॉट करना शुरू कर दिया। कपड़े फॉरेन क्लोथ पर बायकॉटेड, लीकर शॉप पर पिकेटेड, लोबडी कैन एंटर इन द लीकर शॉप, तो उसका पिकेटिंग किया जा रहा था। पीजेंट नाउ रिफ्यूजेस टू पे रेवेन्यू, अब वो रेवेन्यू पे नहीं करने वाले थे, कोई भी चौकीदारी टैक्स दे वर नॉट गोइंग टू पे, एंड विलेज ऑफिसर्स जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे जहां पर बहुत सारे लॉ को तोड़ा गया। आपने पढ़ा था कि ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स को जंगलों में जाना मना था। ठीक है, और तो अब ये सब लॉ तोड़े जा रहे थे, अब लोग जंगल में जा रहे थे, दे वर वायलेटिंग फॉरेस्ट लॉ, they are going to into the reserve forest to collect wood and graze cattle. आपने पढ़ा था ना कि forest was categorized in three group, reserve forest, protected forest and village forest. reserve forest में जो लकड़ियां होती थी उसे कोई काटे नहीं। ठीक है, वो इसके चलते उनमें जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध था। but the people were now started violating the law. They started going into the reserve forest. They started collected fuels. They were raising their animals. जो गवर्नमेंट की लॉ थी उन्हें वायलेशन पूरी तरह से किया जा रहा था। Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leader one by one. अब ये इतनी तेजी से बढ़ रहा था ये मूवमेंट कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, कांग्रेस लीडर को एक वन बाय वन करके उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। दिस प्लेड वायलेंट क्लैशेस इन मेनी पैलेसेस व्हेन अब्दुल गफार खान अ डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930 एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेशन इन द स्ट्रीट ऑफ पेशावर फेसिंग फेसिंग
facing when Abdul Ghaffar Khan devoted this will of Mahatma Gandhi was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the street of Peshawar facing armored cars and police firing, many were killed. लेकिन कांग्रेस के लीडर, आपने जस्ट पढ़ा कि कांग्रेस के लीडर को अरेस्ट किया जा रहा था और जगह जगह पर वायलेंट क्लैशेस हो रही थी. लोग मतलब जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो क्रूरतापूर्ण ढंग से उन्हें कंट्रोल कर रही थी. लेकिन जब अब्दुल गफ्फार खान को, जो कि महात्मा गांधी के एक बहुत ही डिवोटेड डिसिपल माने जाते थे, जब उनको अरेस्ट कर लिया गया तो जितने भी लोग जो थे वो काफी नाराज हो गए. पेशावर की गलियों में उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया. उन्होंने इनकी इनके जो इनकी गोलियां, पुलिस फायरिंग को उन्होंने फेस करना शुरू कर दिया. मतलब वो काफी गुस्से में निकल गए और पूरी पूरी तरह से उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि गोलियां लगी और बहुत सारे लोग उसमें से मारे गए. A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial worker in Solapur attacked police post, municipal building, law courts and railway station, all structures that symbolize British rule. उसके बाद एक मंथ के बाद फिर महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया. जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया तब जो सोलापुर के वर्कर्स थे उन लोगों ने क्या किया कि पुलिस पर अटैक करना शुरू कर दिया. म्युनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, मतलब जो कुछ भी अंग्रेजों की अंग्रेज गवर्नमेंट के अंदर था उन सब सारे स्ट्रक्चर, सारे सिंबल पर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया. अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पोंडेड विद अ पॉलिसी एंड रूचुअल रेप्रेशन. पीसफुल सत्याग्रही वर अटैक, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्ट. अब डर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब देख रही कि ये लोग अटैक कर रहे हैं तो वो घबरा गई और घबरा करके उन्होंने ब्रूचुअल तरीके से उसे वापस प्रेस करना शुरू कर दिया. अब वो कट्टरतापूर्ण ढंग से कंट्रोल करने लगी. अब जो सत्याग्रही, जो शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे थे उन पर भी अटैक किया गया. औरतें और बच्चों को पीटा गया और लगभग 1 लाख पीपल को अरेस्ट कर लिया गया. So in such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and enter into a pact with Irwin on 5th March 1931. By this Gandhi-Irwin pact, Gandhi ji consented to participate in a roundtable conference. इसके बाद इस सिचुएशन में महात्मा गांधी ने अपने मूवमेंट को वापस ले लिया और इरविन के साथ उसने एक समझौता किया जिसको इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है. और वो हुआ 5th मार्च 1931 को. गांधी जी ने उसके बाद डिसाइड किया कि वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे. उसके बाद वो लंदन चले गए लेकिन बातें पूरी तरह से सही नहीं हुई. कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को महात्मा गांधी अटेंड करने के लिए लंदन गए. और गवर्नमेंट ने ये भी इस बात पर भी राजी हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात पर राजी हुई कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर, आपने देखा कि सारे कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, तो वहां पे उन्होंने कहा कि नहीं, हम जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं, उन सबको हम फ्री कर देंगे. तो इन दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी लंदन गए लेकिन वहां पर बातचीत जो हुई वो ऐसे निगोशिएशन जो हुई, शांति वार्ता जो हुई वो सफल नहीं हुई. उसके बाद वो निराश होकर इंडिया, जब भारत आए तो उन्होंने देखा कि एक नया तरह का रिप्रेशन का तरीका अंग्रेजों ने अपना लिया है. गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे और कांग्रेस को एक इलीगल पार्टी के रूप में डिक्लेयर कर दिया. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टेप्स ले लिए गए ताकि कोई मीटिंग ना कर सके, कोई प्रदर्शन नहीं कर सके, कोई बायकॉट ना कर सके. तो इन सारे स्थिति में, एक काफी आशंका वाले स्थिति में, महात्मा गांधी ने फिर से रिलॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को और 1 साल तक उनका मूवमेंट कंटिन्यू रहा. और 1934 में ये मोमेंटम, ये अपना अपना छवि, अपना प्रभाव कह सकते हो, उसने खो दिया. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, इफ यू लीव एन ऑफलाइन क्लासेस आई विल डिस्कस. ओके, तो आप लोगों ने पढ़ा है
ये सारे कुछ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू स्टडी इन इन अ ब्रॉड वे, ठीक है, थोड़ा सा आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम लिविंग माई क्लास, आई हैव 1 डे 1 मिनट्स, सो